ठीक है, ये तौरिया जो है कभी कभार किया जा सकता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं बोला झूठ मगर तीन मुकामात पर। बुखारी की रिवायत है, लोग बोलते हैं हदीस गलत कुरान के खिलाफ, कुरान कह रहा है इन्नहु काना सिद्दीक नबिया, इब्राहिम सच्चे नबी थे, बुखारी की रिवायत में आ रहा कि झूठे थे। देखो नबी को झूठ बोल रही है हदीस, गलत सलत ये वो, अरे बेवकूफ समझ थोड़ा रुक, ये झूठ की किस्म है लेकिन हलाल किस्म है। तौरिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कब कब झूठ बोला? एक बार सितारे को देख के बोला इन्नी सकीम मैं बीमार हूँ, दूसरी बार बुध को खुद तोड़ा और कहा इससे पूछ लो इसने तोड़ा, और तीसरी बार अपने बीवी को क्या कहा मेरी बहन है। तीनों तौरिया थे, पहला सितारे को देखकर बोलना ताकि आप अपनी चाल चलने वाले थे इनके खिलाफ, दूसरा वो बुध से पूछ लो ये बताना था तुम्हारे बुध जिनकी तुम इबादत करके पुकारते हो ये खुद की मदद नहीं कर सकते तो किसी और की क्या करेंगे, और तीसरे मुकाम पर अपनी बीवी को बहन क्यों कहा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होने के नाते। वैसे मेरी बीवी मेरी बहन हो जाती है आदम के नाते, सारे इंसान बहन भाई है ना एक दूसरे के, तौरिया बोलते हैं। इसने समझा सगी बहन बादशाह ने, आपका माना था आदम की बेटी होने के नाते मेरी बहन है, समझे आप, तौरिया है ये। झूठ की किस्म है लेकिन जायज़ है और कभी कभार ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन हर बार नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल ये वो चीज़ें थी जहाँ झूठ बोला जा सकता है, और वैसे अमूमन झूठ बोलना हराम है, सख्त गुनाह है, इससे हमें बचना चाहिए। ये चंद बातें थी सच्चाई का बयान, इसकी फजीलत, इसके फ़ायदे और झूठ के नुकसान मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी। अल्लाह ताला